सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे जरूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सिकम। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक टेक्निक के बारे में, जिसे अगर आपने अपने कंप्यूटर के सेटिंग्स में जाकर किया है कुछ छेड़छाड़ तो वो हो गया है एक्टिवेट और आप हो गए हैं परेशान। दोस्तों ये वाला जो आप देख रहे हैं पार्ट, दोस्तों अगर आपने अपने कंप्यूटर में जाकर कुछ छेड़छाड़ किया होगा तो उसके बजाय दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, कभी आपके कंप्यूटर में लॉक हो गया या फिर लॉक हो चुका है तो कैसे कर सकते हैं इसे अनलॉक, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट सिकम में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं इसे अनलॉक। सिंपल दोस्तों, आपको जाना है अपने सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में दोस्तों आपको जाना होगा, उसके बाद और इसे मैं ओपन करता हूँ। सेटिंग में दोस्तों जाने के बाद आपको जाना है इजी ऑफ एक्सेस, और इसमें जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है सबसे माउस में, और माउस में जाने के बाद दोस्तों एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों माउस कीज, ठीक है। यूज न्यूमेरिक कीपैड टू मूव माउस अराउंड द स्क्रीन। दोस्तों ये हो अगर ऑन मैं करता हूँ दोस्तों तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल दोस्तों, अगर आपका दोस्तों अपने कंप्यूटर में ये चीज़ लॉक हो गया है तो आप उसे दोस्तों अनलॉक करने के लिए सिंपल दोस्तों अपने सेटिंग्स में जाकर इसको कर सकते हैं ऑफ। उसके बाद दोस्तों जब आप इसे ऑफ करेंगे दोस्तों तो ये वाला जो पार्ट हमारे कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा था, ये दोस्तों काम करने लगेगा। तो दोस्तों यही बताने वाला था आज के वीडियो में दोस्तों, और दोस्तों आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।